आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के राशन कार्ड धारकों को 2 माह का मुफ्त राशन वितरित करने का यहां पर फैसला लिया गया था। राज्यवासी मुफ्त राशन का लाभ मई और जून माह में प्राप्त कर सकते हैं, ये फैसला यहां पर लिया गया था। लेकिन दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड के अमेठी पंचायत से एक शिकायत यहां पर सामने आई है। दरअसल वहां के पूर्व मुखिया व मुखिया पति ग्यासुद्दीन जी का कहना है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा आम उपभोक्ताओं को सड़ा हुआ अनाज, वजन में कम तोल एवं किरासन तेल में मानक से अधिक राशि की वसूली यहां पर की जाती है एवं कई राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का राशन भी यहां पर नहीं देने की शिकायत जो है वो सामने आई है। जबकि कोविड-19 की लहर और लॉकडाउन के कारण आमजनों का जनजीवन जो है वो काफी यहां पर प्रभावित हुआ है। तो वहीं पूर्व मुखिया व मुखिया पति का यहां पर कहना है कि सरकार द्वारा जो राशन की सुविधा तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां पर शुरू की गई थी वो यहां पर लोगों को नहीं मिल रही है। वहीं आइए आपको दिखाते हैं कि अमेठी पंचायत के पूर्व मुखिया और मुखिया पति ग्यासुद्दीन का क्या कहना है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी आदाब सलाम नमस्ते बंधुगण, आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी की समस्या बन चुका है। इसमें देश दुनिया के लोग परेशान हैं, हमारे आपके अपने सबके हम सभी के बहुत हितैषी अपने पराई लोग काल के गाल में समा गए। फिर भी इस भयावह और विकट परिस्थिति में भी कुछ लोग गरीबों का निवाला खाने से बाज नहीं आते हैं, गरीबों की हकमारी करने से बाज नहीं आते हैं। अभी हम लोग देवराम अमेठी पंचायत के देवराम नमटी नपटोलिया रामनगर के लोग 4 किलोमीटर दूर भारी वर्षा चक्रवाती तूफान हो या तेज धूप का लहर हो, छोटे छोटे बच्चे माँ बहनें विशेषकर वृद्ध और नौजवान लोग को जाने में दिक्कत होती है। और सरकार ने बिहार में भारी मात्रा में डीलर की नियुक्ति किया था, बहाली किया था, इसलिए कि गांव-गांव के गरीबों को दूर दूर और दूसरी जगह राशन किरासन लाने नहीं जाना पड़े। और आज उसके बाद भी रामनगर नमटी नवटोलिया देवराम के लोगों को अमेठी 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है राशन लाने के लिए, किरासन लाने के लिए, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या होती है। हमने आज SDO साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, खाद्य सचिव जी, DM साहब और MO साहब को लिख करके ये लिखित आवेदन दिया है, मांग किया है। और ये भी मांग किया है साथ साथ कि अभी जो है सड़ा गला दाना दिया जाता है डीलर द्वारा, आम उपभोक्ता को घट्टी दिया जाता है, एक राशन कार्ड में 8 आदमी का नाम है तो पॉस मशीन के नाम पर शो नहीं करने के नाम पर 3 आदमी का दिया जाता है, 5 आदमी का नहीं दिया जाता है। क्या इस देश दुनिया में लोग मर रहे हैं, जान से हाथ धो रहे हैं? सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मात्र इसलिए कि गरीबों को इस संकट के समय में एक राहत मिलेगा। अभी के स्थिति में जमीनी सतह पर उल्टा हो रहा है। हमने मांग किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से इस समस्या को निदान करें, और सरा गला दाना भी दिया जाता है उसको भी वजन कम तौला जाता है उसको भी दूर करें समस्या को, और किरासन का तेल 45 रुपये लीटर लिया जाता है, इस समस्या का भी निदान करें। राशन कार्ड में जो अंकित है अगर 8 आदमी का नाम तो 3 आदमी का नाम दिया जाता है। सरकार का आदेश था कि सभी डीलर गाँव-गाँव घर-घर जा करके आधार से लिंकेज, जिसका नाम नहीं आधार से लिंकेज करे, नाम में जो त्रुटियाँ जो गड़बड़ियाँ उसको दूर करे, लेकिन समय रहते दूर नहीं किया गया। और गांव के गरीबों को दूर समस्या से निपटना पड़ रहा है, समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन से आग्रह विनम्र निवेदन करेंगे, माननीय विधायक जी माननीय सांसद जी को भी हमने लिख दिया है सारी समस्या को, से आग्रह विनम्र निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से उक्त सभी समस्याओं का निदान किया जाए समय रहते। अगर समय रहते निदान नहीं किया गया तो गरीब का हकमारी को हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग गरीब मजदूर के लिए ताजीवन
ताउम्र गरीब की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे। बहुत जल्द अगर सभी समस्या का निदान नहीं किया गया, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब, प्रधान सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति मंत्री, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, SDO साहब, RMO साहब, सभी को मैंने लिख कर दिया है सभी समस्याओं का निदान करने के लिए। आज गरीब लोग मर रहा है, लोग दाना दाना को मोहताज है। इस वैश्विक महामारी में भी कुछ लोग गरीब का निवाला खाने से नहीं भाग जाते हैं। कमोबेश ये समस्या पूरे डेरामैटी पंचायत नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। तो माननीय शासन प्रशासन से आग्रह विनम्र निवेदन करते हैं, उक्त सभी समस्या का समय रहते निदान करें ताकि गरीब को राहत मिले। आप देख रहे हैं खबर NDTV, इस तरह हर खबर से।